सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो फाइनल मेरिट लिस्ट का ऑफिशियल अपडेट है वो इस वेबसाइट पर रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की, उसे आपको कैसे चेक कर लेना है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो अभी तक क्यों नहीं रिलीज हुई है, ऑप्शन फॉर्म कब से चालू होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो अभी तक पैनिक कर रहे हैं कि हमारा ऑप्शन फॉर्म कब चालू होगा, कब कॉलेजेस डालेंगे। इन सभी के ऊपर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी जो डिप्लोमा की फाइनल मेरिट लिस्ट है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए, उससे आपको कैसे चेक कर लेना है। तो सबसे पहले आपको अपनी इस मेन वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद अगर आपको अपना इंडिविजुअल मेरिट स्टेटस देखना है तो यहां पर आपको सिंपली व्यू डिप्लोमा फाइनल मेरिट स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल के इस कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए वो खुलकर आ जाएंगी। उसमें आपको आपकी सारी डिटेल्स दिखेंगी जो आपने प्रोविजनल में चेक करी थी, या आपने ग्रेवरेंस फिल किया होगा तो उसकी भी जो आपको करेक्ट डिटेल है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर से कर लेना। और एक बात, जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उनका जो रैंक है वो थोड़ा बड़ा है, और जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें कुछ स्टूडेंट्स का जो रैंक है वो कम भी हुआ है, मतलब रैंक में आपको जो कम ज़्यादा है वो देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके बीच का भी जो डिफरेंस है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ स्टूडेंट्स का जो रैंक है वो इंक्रीज होता है और कुछ स्टूडेंट्स का जो रैंक है वो डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से आपको अपनी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए वो चेक कर लेनी है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। अब ये बात हो गई आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो अभी तक क्यों नहीं रिलीज हुई है, और आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो मोस्टली आपको कब तक जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट 12 बजे के बाद रिलीज हुई दोपहर के। तो मे बी पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि कुछ जो डाटा वगैरह है वो सीईटी सेल को मिलना बचा होगा, या तो उनकी जो कुछ तो प्रोसेस है उनकी वो रह गई होंगी कंप्लीट करने की। तो मोस्टली आपको जो सीट मैट्रिक्स का अपडेट है वो आज शाम तक देखने को मिल सकता है, या आपको एक दो घंटे बाद इस वीडियो को शूट करने के बाद भी हो सकता है कि जो अपडेट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपका उसी के तुरंत बाद आपका जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग है, मतलब कैप राउंड वन के लिए आपको जो कॉलेजेस है वो फिल करना शुरू हो जाएगा। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट डेट्स में भी जाकर देख सकते हो कि आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए काफ़ी सारा जो टाइम है वो देखने के लिए मिलेगा। और एक क्वेरी जो स्टूडेंट्स है वो पूछते हैं कि अगर हमने पहले फॉर्म भर के कॉलेज लॉक कर कॉलेज डालकर अपना फॉर्म सबमिट कर दिया तो हमको क्या पहले राउंड में जो हमने जल्दी फॉर्म अपना सबमिट किया तो हमको क्या पहले कॉलेज जो है वो पहले लगेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर फॉर्म पहली डेट पे भी भरते हो तो आपको आपके परसेंट के हिसाब से कॉलेज मिलेगा, अगर आप एंड डेट पे भी अपना फॉर्म भरते हो तो आपको आपके परसेंट और आपके रैंक के हिसाब से ही कॉलेज मिलेगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि अगर आपने फॉर्म पहले भरा तो आपको कॉलेज पहले मिलेगा। सबको सबके हिसाब से जो कॉलेजेस है उनके रैंक और उनके परसेंट के हिसाब से जो कॉलेजेस है वो मिलने वाले। तो ऐसा पैनिक बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पर डेट दी गई है ना आपको 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, आपको अपने कैंडिडेट लॉगिन में जाकर अपने जो ऑप्शन फॉर्म है कैप राउंड वन के लिए कॉलेजेस की लिस्ट बनाकर कॉलेजेस सिलेक्ट कर उनको अपने प्रीफ्रेंस के हिसाब से अरेंज कर जो फॉर्म है वो अपना सबमिट करना है। तो ये 2-3 दिन आपके पास है ना, इतना पैनिक करने की क्या ज़रूरत है? पैनिक वगैरह मत करो, बढ़िया तरीके से अपनी लिस्ट बनाओ। सारे लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपलोड किए हैं, मुंबई पुणे नागपुर के COAP का भी मैंने अलग से अपलोड किया है कि उसको किस तरीके से देखना है। उस लिस्ट में आपको कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेस है वो भी देखने के लिए मिलेगी। तो उसको रेफर करो, अपनी लिस्ट बनाओ बढ़िया तरीके से, उस पर काम करो। ऑप्शन फॉर्म जैसे ही चालू होगा तो आपको आज नहीं तो कल कॉलेज तो नहीं है ना, अपडेट भी आपको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई दे देगा। तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीट मैट्रिक्स भी जल्दी ही आ जाएगा और आपका जो ऑप्शन फॉर्म है कैप राउंड वन का वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि वीडियो बनने से पहले वहां पर आपको जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने के लिए मिल रहे होंगे, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये तरीका, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फाइनल मेरिट लिस्ट लगी है उसको चेक कर लो, उसके जो रैंक है उस हिसाब से फिर अपने कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करो। जैसे ही प्रोसेस चालू होगी कैप राउंड वन की, आपको कॉलेज तो डालना ही है, तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको सारे जो अपडेट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। पैनिक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप घाई गड़बड़ी करते हो तो आपके जो गलती होने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारी जो चीज़ें वो ध्यान में रखनी है और अपने आगे काम को करना है। तो मिलते हैं इसे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर से कर लेना, क्योंकि उसमें आपको सारे जो अपडेट्स है वो देखने के लिए मिल रहे हैं।